नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते। चलते चलते में हमने एक आज ऐसे हस्ती को लाया है जिनको पहले एपिसोड से इस शो में लाने की मांग की जाती थी। हिंदुस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान में भी जिनकी काफ़ी लोकप्रियता है, मोदी सरकार आने में भी उनकी भूमिका है और सुदर्शन को बैन करने की मांग भी कर चुके हैं। अब तो आप पूरे कन्फ्यूज़ हो चुके होंगे, इसलिए मैं आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। दिग्विजय सिंह एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा व्यक्ति और एक देश की आत्मा को समझने वाला शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य जी का दीक्षित शिष्य। अच्छा, ये परिचय टीवी पे तो दिखता नहीं लोगों को, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते। मैं तो क्या, बाकी चैनल भी नहीं दिखाना चाहते ना? ऐसा है, सभी चैनल पर आजकल आपके संस्कारों का इतना प्रभुत्व है, प्रभाव है कि वो मुझे केवल मुसलमान बताते हैं, कभी हिंदू, कभी ईसाई बताते हैं। केवल केवल वो लोग जो धर्म को नहीं जानते, जो सनातन धर्म को कभी देखा नहीं। मैं अच्छा हिंदू हूँ, मेरे में संस्कार हिंदुओं के हैं, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, मैं पंढरपुर जाते हैं जी, पंढरपुर पिछले 92 से लेकर आज तक हर आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर जाता हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ। मेरे घर में 7 मंदिर हैं जिसमें 4 पर 24 घंटे घी और तेल की ज्योत जलती है। एकादशी पर वहाँ राती जगा होता है। मैं वो हिंदू हूँ, लेकिन अच्छा हिंदू, लेकिन अच्छा हिंदू कभी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करेगा। नहीं करेगा, हम भी अपमान की बात नहीं करेंगे। आप कभी कभी करते हैं। नहीं, लेकिन अपना आप मुझे क्या मुसलमान, आपने पूछा कि दिग्विजय मोहम्मद कहे आपसे, क्या कहूँ मैं ये आपको पूछ रहा हूँ। आपका आरोप ये है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं कंफ्यूज था ना। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप क्योंकि आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप दिग्विजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। अब तो आपने परिचय बताया। अरे परिचय आपको नहीं था। सुनिए सुनिए, आपका ये बयान मैं आप पर डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकता हूं। वो तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं, मुझे स्वीकार है। और आप उससे बाहर भी निकलते हैं। मैं स्वीकार हूं और मैंने डिफेमेशन सूट फाइल भी किया है और लोगों से माफी मंगवाई है। आपने अगर मेरे को इस तरह की बात की तो मैं आपके खिलाफ भी करूंगा। चले, हम तो उससे डरते नहीं। मैं भी नहीं डरता। आप तो जो आप बोलेंगे हम विदाउट एडिट दिखाएंगे। धन्यवाद। जो जो बोलेंगे बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। दावे के साथ, आपके मित्र भी इसके पहले जो आए थे, दावे के साथ बोलूंगा और खरी खरी सुनाऊंगा। यस। तो आपकी लोकप्रियता के बारे में भी मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी बहुत लोकप्रियता है, इस पर भी कुछ कहना है? मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप नवाज शरीफ को हराएंगे। मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूँ। और आपने एक दूसरी बात जो कर दी कि मुझे पाकिस्तान का नागरिक साबित करना चाहते हैं। नहीं, मैं क्यों चाहूँ, मैं तो चाहूँ। आपने कहा है, आप कह रहे हैं वहाँ से भी लड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जाके नागरिक बन जाऊँ? हाँ, आपके जो है मंत्री वहाँ के बिहार के, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं जो मोदी का विरोधी वो पाकिस्तान चला जाए। क्या ये मोदी का क्या ठेका है इस देश के लिए? क्या गिरिराज सिंह जी का ठेका है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री का ठेका है? क्या तरीका है आप लोगों का बात करने का? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैं सम्मानित कर रहा हूँ आपको। आपने कहा, सम्मानित कर रहा हूं। सम्मानित इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ू, में जाकर पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार करूं। धिक्कार है आपको। चलिए, दूसरा धिक्कार हो गया दो सवालों में। मोदी सरकार आने में आपकी भूमिका है, धन्यवाद करिए, ऐसा उनके समर्थकों ने मुझे इंटरव्यू शुरू होने के पहले सोशल मीडिया पे कहा। मैं नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए खतरा है। इस देश के लिए अमित शाह और ये दोनों जोड़ी है, ये देश के लिए खतरा है। दोनों के दोनों याकूब खतरा नहीं है, जिसकी दया याचिका पर आपने सर, मैंने याकूब का कोई समर्थन किया है? कैसी बात करते हैं आप? नहीं नहीं, ये आपने नहीं, लोगों ने आपने नहीं, मैं आपने नहीं किया याकूब की, आपने तो गुरु को फांसी दो अफजल गुरु को, ये भी कहा है, हमने भी दिखाया था, लेकिन अफजल गुरु या याकूब, और जिसको अफजल गुरु को फांसी देने का विरोध जिसने किया, उसके साथ आपने सरकार बनाई हुई है कश्मीर में, शर्म आनी चाहिए। हमारा क्या संबंध है? आपका, मैं तो पत्रकार हूँ। पत्रकार है, लेकिन मोदी के संस्कार तो आप प्रचारित करते हैं। नहीं देखिए, हाँ, पत्रकार को ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं। मैं आरोप लगा रहा हूँ, मुझ पर दावा करिए। नहीं, मुझे वो दावा ऐसा भी नहीं कि जिससे मुझे कोई अपमानित महसूस हो। तो आप मुझे अपमानित कर रहे हैं कि मैं जाके पाकिस्तान में नागरिक बनूं? सुनिए, नागरिक बनूं, जाकर चुनाव लड़ूं? आप मुझे अपमानित नहीं कर रहे हैं? 10 साल मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति,
कांग्रेस के महासचिव, कद्दावर नेता कहा मैंने आपके, और ऐसे पाकिस्तान जाके चुनाव लड़ो। ऐसे कांग्रेस के नेता आपके पद पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जी हाँ। कभी कभी कितने बड़े बड़े लोकमान्य तिलक थे जी जी, लेकिन वो हिंदूवादी थे। कांग्रेस में पहले हिंदूवाद को स्कोप था, उसके बाद नेहरूवाद आ गया। उसके बाद एक बात समझ लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीयन थे, नेहरूवन नहीं थे। देखिए नेहरूवन हम लोग, नेहरू जी खुद गांधीयन थे, एक फर्क है। आप मेरा वर्जन सुन लीजिए, आपका वर्जन मैं जो नहीं सुनना, क्योंकि आपका वर्जन प्रभावित है। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा, चलेगा? कैसे चलेगा? आपने किया तो सुनिए। ठीक है ठीक है, तो आप मेरा भी सुन लीजिए, सुनाइए। देखिए लोकमान्य तिलक या तमाम जो नाम थे, इन नामों को हिंदुवादी कहा जाता था। जिन्ना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुवादी है, गलत है। जिन्ना ने इसलिए तो मुस्लिम लीग स्थापन की ना, उसने इसीलिए जिन्ना साहब के मकबरे पर अडवाणी जी गए थे, इसलिए जसवंत सिंह जी ने उनको सेक्युलर लीडर कहा था, यही है तो ना? भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं। आप क्यों भुगते, आपको तो हम बताएं ना? मैं तो जिन्ना को कम्युनल मानता हूं। देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से कभी समझौता नहीं किया। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुसलमान दोनों का विरोध किया, लेकिन उससे भी कम्युनल नमक हराम ओबीसी का आप समर्थन कर, मैं विरोध कर रहा हूँ। सबसे पहला विरोधी मैं ओबीसी का, पार्टी कहां कर रही है? पार्टी विरोध कर रही है, हमारा विरोध है उसके साथ, तो अच्छी बात है। लेकिन आप इस विषय पर हम आपके साथ रहे, लेकिन अमित शाह जो है उनके साथ दोस्ती भी करते हैं। ओ सुनिए, अमित शाह का मैं उसके खिलाफ हूँ। आप खिलाफ हैं? नमक हराम कहता हूँ, देशद्रोही कहता हूँ। मैं उसको ये कहता हूँ कि वो मुसलमानों को भड़काता है। एक तरफ संघ जो है हिंदू महासभा और शिवसेना हिंदुओं को भड़काती है, और ओवैसी जैसे लोग, शिवसेना के साथ अलायंस किया आपने, ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों को भड़काते हैं। ये दोनों इस देश के लिए खतरा है। वो आपने कांग्रेस ने शिवसेना के साथ अलायंस किया महाराष्ट्र में, कहाँ किया? कई जगह पर, कई लोकल बॉडीज में। मैं तो वहाँ लोकल चल जाएगा, लोकल बॉडी, लेकिन लोकल बॉडीज कोई स्टेट पॉलिटिक्स नहीं होती है। लोकल बॉडीज में आपका तो समझौता नेशनल लेवल पे है। आप आज कमेंट्री पे कह रहे हैं कैमरे पे कि शिवसेना के साथ आप विधानसभा में और लोकसभा में साथ नहीं जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए उद्धव ठाकरे शायद इसको देख ले। उद्धव ठाकरे मेरे मित्र हैं, क्योंकि हम दोनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हम दोनों मित्र के साथ करते हैं। मेरा मेरी विचारधारा उनके साथ नहीं, लेकिन आदमी भला है। चलिए तारीफ हो रही है, अच्छी बात है। बाला साहब कैसे थे? बाला साहब से मैं एक बार मिला, उद्धव ने मुझे मिलवाया था। उन्होंने कहा दिग्विजय बियर पियोगे? मैंने कहा मैं तो बियर पीता नहीं हूँ। चलिए आपके लिए, आपको लेकर ये जो सारे सवाल है, कौन से सवाल? आपको ऐसा नहीं लगता कभी? कौन से सवाल? ये जो हिंदू विरोधी होने का, हिंदू विरोधी नहीं है, आरएसएस विरोधी है। नहीं, देखिए देखिए एक बात बताइए, इस देश के किसी भी धार्मिक गुरु ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान दिया है क्या? ऐसा धार्मिक हिंदू क्या काम का? कौन सा धर्म, किस काम? केवल खुद के पुण्य के लिए काम करना कोई धर्म है क्या? मैं व्यक्तिगत धर्म, एक सामाजिक धर्म, एक राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय धर्म, सामाजिक धर्म और निजी धर्म, ये इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। हाँ, तो नहीं आना चाहिए ना? आप लोग ला रहे हैं। तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। किसने कह दिया आपको भाई? क्यों नहीं किसने कहना चाहिए? ये एक भारतीय राष्ट्र है, भारतीय, ये देश सबका है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। आपका तो नेपाल तक ने मना कर दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। क्योंकि आप कह रहे हैं, देखिए आप खुद हिंदू होके मुझे कह रहे हैं। हाँ। आपको नहीं बुरा लगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो भी धर्म के नाम पर जो आपने स्टेट बनाया है, इन्होंने पाकिस्तान बनाया इस्लाम का, इस्लामिक कंट्री, आज हालत देख लीजिए, वहाँ हालत क्या हो रही है। आतंकवाद हिंदुस्तान से ज्यादा आतंकवाद आज पाकिस्तान में है, और आप कह रहे हैं खुश है। आप कह रहे हैं मुझे नागरिकता लेनी चाहिए वहाँ की। नागरिकता नहीं कहा मैंने, पॉपुलैरिटी कहा। अरे आपने कहा चुनाव, अरे चुनाव पॉपुलैरिटी कहा, क्या चुनाव? चुनाव कोई व्यक्ति पाकिस्तान में बिना नागरिकता के लड़ सकता है? अभी मुझे बताइए, ये जो इमेज से है, इस इमेज से आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है? मैं इमेज की परवाह नहीं करता, आप जैसे चैनल वालों की मैं परवाह नहीं करता। कांग्रेस का तो नुकसान हो रहा है, हम चाहते विपक्ष जीवित रहे। आप हम चाहते विपक्ष जीवित रहे। आप शिकायत करिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, मुझको पार्टी से निकाल दे जाइए। वो तो मालिक है पार्टी के, है ना, मेरे लीडर है। देखिए मैं आपका एक हिम्मत वाला नेता के तौर पर आपको मानता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ कोई हिम्मत वाला नेता ही कह सकता है जो आपके सामने कह रहा है? इसलिए अभी आगे की बात सुनिए, सुनाइए। आपको मैं वैचारिक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह एक हिम्मत वाला आदमी है जो इतने लोकप्रिय बाबा रामदेव को ठग कहता है, है ना ठग, जो इतने पॉपुलर अन्ना हजारे के खिलाफ बोलता नहीं, है अन्ना जो के, मोदी के खिलाफ बोलता अन्ना है, के खिलाफ मैंने नहीं बोला, अन्ना का मैं सम्मान करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने और बाबा रामदेव ने उनको ठग लिया, और इसलिए जहाँ तक मोदी, ये हिम्मत है ना, जहाँ तक मोदी है, मोदी जी है,
मोदी जी राजनीतिक नेता है, मेरे प्रधानमंत्री, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन विचारधारा का मैं विरोधी हूँ। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे, क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। आप क्या चाहते हैं? क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक दिग्विजय सिंह कांग्रेस ही रहेगा। तो दिग्विजय सिंह गल बदलू नहीं है, मोदी जी का सपना पूरा करेंगे आप, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा। मैं मोदी जी को हरवा के दिखाऊंगा, चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ। मैं तैयार हूँ, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा चुनाव। आपकी पार्टी ने आपको एक ऐसा फ्रीडम देके रखा है ना, जहाँ पर सुविधा हो आपके साथ, जहाँ सुविधा नहीं हो आपके साथ। मेरी पार्टी का तो मुझे रखना चाहिए, आप क्यों रखते ख्याल? वैसे मैं बताऊँ आपको, मतलब मैं दावा करता हूँ, कांग्रेस का एक आदमी भी इससे असहमत नहीं होगा। आपके जैसा बड़ा नेता, अनुभवी नेता, क्षमतावान, बाकी वैचारिक आपसे असहमति हमारी कांग्रेस में कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनते आप? क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गए। किसने कह दिया फेल हो गए? मेरे नेता राहुल गांधी है, मेरी नेता सोनिया गांधी है, और मेरे को अपना नेता चुनने का अधिकार मुझको है, आपको नहीं है। आप अध्यक्ष बन सकते हैं ना? मैं क्यों बनूं जब मैं नहीं चाहता हूं तो? क्यों नहीं चाहते? पार्टी बचेगी नहीं। मैं आप लड़ सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, बयान देते हैं। राजनीति मैं कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, देश के लिए करें, आपके लिए भी करें, मेरे लिए। क्या मैं देश विरोधी हूं? लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं देश विरोधी? मैंने नहीं कहा ना, मैंने कहा आपकी पार्टी बचेगी तभी ना जब आपके जैसा व्यक्ति रहेगा। बचेगी और आपकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगी और हराएगी। हमारी विचारधारा कहाँ अलग है, आपकी और हमारे एक ही है? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आप जो है घोर सांप्रदायिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, आप उस पार्टी से संबंधित हैं जो देश में दंगा कराती है, फसाद कराती है, और मुसलमानों को गाली देकर मुसलमानों को मुस्लिम परस्तर लोगों के गोद में भेजती है। मैं मिस कॉल का मेंबर भी नहीं हूँ, और मैं दावा करता हूँ मैं भाजपा का मेंबर नहीं हूँ। अगर मिस कॉल अमित शाह ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब से, बिना आज प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस देश का कभी नहीं, कोई इस देश विश्व में ऐसा कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं रहा है जो बिना बुलाए, मान न मान, मेरा मेहमान किसी फंक्शन में दूसरे देश के यहाँ चला जाए, कभी नहीं रहा। बगैर वीजा गए ना? हैं, बगैर वीजा गए तो उनसे आपने पूछा नहीं? मेरी भी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, बगैर वीजा का जाऊँ, जाओ पाकिस्तान की वीजा की जरूरत ना रहे। तो मोदी जी से पूछ लो ना, तो जाएंगे, देखिए जाके जाओ, दिखाएंगे। मैं तो कहता, अच्छा, ये, मैं ये तो बात पूरी कर लेता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। देश में जिस तरह से यूरोप में यूरो यूनियन के अंदर वीजा नहीं लगता है, वैसा ही सार्क कंट्रीज में भी वीजा समाप्त होना चाहिए। आप इसके पक्षधर है ना? नहीं, फिर आपने कहा पाकिस्तान में बगैर वीजा जाने का हूं। जाओ ना, कौन रोक रहा है? आपका पक्ष का मतलब होगा कि आतंकवादी वीजा लेके आ जाए। आप जाओ ना। मैं तो जाऊंगा ना। जाओ ना वीजा। जाऊंगा ही, एक बात कर रहे, अगर तुमने कहा हिम्मत हो तो देख के बताओ, आप करके दिखाओ। दिखाओ जो कहता हूँ, करके दिखाओ। आप इंटरव्यू छोड़ के तो नहीं जा सकते? अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। देखिए, आपने एक बात कही राजनीति वाली, अगर मुझे आप आह्वान करते ना राजनीति का, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कांग्रेस में बुला के देखिए। मैं क्यों बुलाऊंगा? बीजेपी तो महासचिव बनाएगी, आप मुझे महासचिव बुला के बना के देखिए। आप जैसे व्यक्ति को तो हम हमारी पार्टी में शामिल भी नहीं होने देंगे। आपके पार्टी में कभी इतने तगड़े हिंदू नेता थे, इसलिए बैलेंस था। छोड़ो, बैलेंस आपको इतिहास नहीं मालूम, माफ करेंगे सुरेश जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप वो इतिहास तो नहीं पता जो गुलामों ने लिखा है? गुलामों ने, आप उनको गुलाम कह रहे हैं? यहाँ देश के इतिहासकारों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा नहीं, शर्म तो अभी तीसरी बार कहा आपने, लेकिन मैं चौथी बार भी कहूंगा शर्म आनी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू करना है पूरा तो मुझे तो सुनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, और मैं कोई दावा नहीं ठोकूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे कोई अपेक्षा नहीं है, इससे बड़ी अपेक्षा। लेकिन आपने मुझे पाकिस्तानी नागरिक बनने के लिए कहा है, आप तो खुद सार्क बनाने के फेवर में हैं। मैं सार्क के फेवर में हूँ, हिंदुस्तान को सार्क में शामिल है हम लोग, तो सार्क में शामिल होना चाहिए हमको। आप तो बांग्लादेशियों को भी वापस भेजना नहीं चाहते। किसने कह दिया आपको? तो किसने कह दिया आप पक्षधर हैं? मैं, देखिए, मैं कानून से चलना वाला व्यक्ति हूँ, जो भी बांग्लादेशी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसको वापस भेजना चाहिए। हिंदू क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेशी है। नहीं, क्यों? संयुक्त राष्ट्र का कानून भी ये कहता है। सुन लीजिए, क्या बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहते?
रहते हैं, उनको कितने रहते थे? 27%। सुनो, आज कितने रह गए? 2.25%। उनको आने, उनको बिना वीजा के इलीगल माइग्रेशन अलाउड है क्या? मैं कहता हूँ लीगल करिए उनको, क्योंकि उनकी मातृभूमि है। करिए ना, मोदी जी वो तो कर ही रहे हैं, मोदी जी कर दिया उन्होंने। दुनिया का कोई भी इलीगल अगर भारत में आना चाहता है तो आ सकता है, ये उन्होंने कर लिया। इलीगल माइग्रेंट जो है उसकी धर्म के आधार पर माइग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये मातृभूमि उनकी पुण्यभूमि है। हाँ, तो पुण्यभूमि है तो हिंदू दुनिया में कहा जाएगा? तो ले ले ले, आप लोग हिंदू को एक तो देश दीजिए कम से कम, सिटीजनशिप ले लीजिए ना, एक तो देश दे दीजिए ना कम से कम, हिंदुस्तान तो कम से कम रहे। देखिए बात ये है, देखिए अभी मुसलमानों ने 29 देशों ने सेना बनाई। एक बात सुन लीजिए, हमारे देश में क्या हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है क्या? आप कहाँ रख रहे हैं पूरा अधिकार? पहला अधिकार तो मुसलमानों को दे रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कौन सा अधिकार? संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का। आपने उनकी बात ही नहीं समझी। जिस व्यक्ति को आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, जिसको कि विश्व में एक मानव इकोनॉमिस्ट मानते हैं, आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे हैं। आप लोग तो जुमलाबाजी में है। अमित शाह जुमलाबाजी कर दी, अब जुमले आप सुरेश जी ने भी कर दी। मैं तो हिम्मत से बात करता हूँ, बिंदास बोल। मैं डर के बात नहीं करता। हाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं? हाँ, मैं हम भी, तो सीना तान मैं भी सीना, आपके सामने मेरे पास भी 56 का सीना है। अच्छा, ये आपके लोगों ने कहा है कि जैसे गांधी जी को मारा उसको आप हत्यारा कहते हैं? हत्यारा सबसे मारेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा हत्यारा नाथूराम गोडसे, और सबसे बड़ा आतंकी नाथूराम गोडसे, और गोडसे की विचारधारा आतंकी विचारधारा। आपको कोई मारेगा तो उसको क्या कहना चाहिए? हत्यारा। चलिए कोई मारे ना, आपसे वैचारिक मारना चाहिए। मुझे ऐसा है, मैं डरता नहीं, कल मारते तो आज मारने, देश के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं है, मरने तैयार हूँ। लेकिन इन इस विचारधारा कौन मारेगा, इस विचारधारा के खिलाफ मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। मैं चाहता हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार है, समानता के हम भी दावेदार हैं। बिल्कुल, पहला हक के नहीं है। कौन सा पहला? किसको? संविधान में बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों को पहला हक कहां दिया बता दीजिए? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया ना, देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशन का अलावा है? हाँ, तो वो गलती की इसलिए भुगत रहे ना आप। कोई गलती नहीं की, तो आप लोगों ने उसको मिसलीड किया है, उसको मिसकोट किया। आप तो भुगत रहे ना। हम लोग भुगतने तैयार हैं, कई बार हमने चुनाव हारा है, उसके बाद जीते भी। अब आपको लगता है कभी जीतेंगे? निश्चित जीतेंगे। आपके मित्र अभी पंजाब में जीत के आए हैं। आपके मित्र कह रहे पंजाब में कैसे जीते पता है आपको? जी, पंजाब और गोवा में क्या हुआ जी? इन दोनों जगह पर आप ना आए इसलिए हिंदूवादियों ने कांग्रेस को वोट किया, क्योंकि केजरीवाल ने आना चाहिए। और दिल्ली में क्या हुआ? मैं वहां का बता रहा हूँ, वहां का बता रहा हूँ, यहाँ तो पता नहीं था। आप बेकार बात करते हैं ना, आपको ज्ञान है। मैं आपका गोवा का बता, मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला, रहने वाले हैं, तो मैं गोवा का इंचार्ज। आपको पता हूँ गोवा का जी? आप फिर मैं दोबारा आपको चैलेंज करता हूँ, मैं द दिग्विजय सिंह को चैलेंज करता हूँ, सत्य बोलने के लिए जो जाने जाते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। वहाँ पर हिंदू मुख्यमंत्री ना बने, क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बने, इसलिए राहुल गांधी ने आप पे दबाव बनाया, इसलिए आप निर्णय समय पे नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ इसलिए वहाँ के विश्वजीत छोड़ी। दिगंबर कामत में क्या कमी थी? दिगंबर कामत में क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। पांच मंत्री, पांच साल मुख्यमंत्री। दिगंबर कामत को हम लोग बनाने वाले थे, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन चंद्रकांत बाबू कावलेकर को बनाया है, और दिगंबर कामत को हम बनाने वाले थे जो आपका जो विजय सरदेसाई, अगर वो धोखा नहीं देता तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना रहे थे। विश्वजीत राणे ने छोड़ दिया कांग्रेस। शर्म आनी चाहिए विश्वजीत राणे को, मराठा कौम को, आपकी कौम को उसने मराठा कौम को उसने क्या, उसने पिता के इतनी बड़ी राजनीतिक हिम्मत दिखाई उस आदमी ने? क्या हिम्मत दिखाई, कायरता दिखाई शपथ लेने के पहले? अरे बेकार, सुबह 10:30 हमारे विप पे साइन कर रहा है और उसके बाद चला गया, ये तो धोखेबाज है। अंतरात्मा जागी ना, धोखेबाज है, मराठा कम्युनिटी को उसने लज्जित किया है। नहीं, ये ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अभी एक्सेप्ट करें ना, आपको मुख्यमंत्री बनाना। मैं मराठा कम्युनिटी के का पक्षधर रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ, पवार साहब का मैं मित्र हूँ, राणे साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन विश्वजीत ने पूरे परिवार को, राणे परिवार को और मराठा मतलब संप्रदाय को उसने, अरे पहले से क्यों नहीं भाजपा से लड़े? नहीं, लेकिन भाजपा से पैसे क्यों नहीं लड़े? उसका स्वाभिमान जाग गया कि स्वाभिमान जाग गया, स्वाभिमान जाग गया। कौन बना रहा था? आप बना रहे थे। उसको मालूम था दिगंबर कामत को बना रहे हैं, उसको मालूम था। आप खुद बना रहे हैं, राहुल गांधी ने आपको फोन किया। किसने? बिल्कुल गलत है, विजय सरदेसाई से राहुल गांधी ने बात की है कि दिगंबर कामत को हम लोग तैयार है। कहाँ लगे हैं आप लोग? लेकिन आप लोग सत्य स्वीकार नहीं कर रहे आप। मैं, अरे सत्य आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम जो मैं मौजूद था। हमको तो ये भी मालूम है कि आपके रूम में कौन कौन आया था।
भले आपने ऐसी ऐसी लॉबी ली थी जहाँ सीसीटीवी नहीं था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपके, लेकिन हमारा ध्यान था कौन कौन मिल रहा है। मैं मांडोवी होटल में मैं था। हाँ तो आपने ऐसी लॉबी ली थी जहाँ सीसीटीवी नहीं। नहीं कौन सी लॉबी, मनोहर पर्रिकर 304 में रुकते, मैं 404 में रुका था। लेकिन गोवा में जो हुआ इसको आप क्या कहेंगे? ये भारतीय राजनीति के लिए, प्रजातंत्र के लिए धब्बा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है सरकार बनाने में, जब सरकार बनाने में असमर्थ हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाता लेकिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राय तो अलग है। सुप्रीम कोर्ट की राय इसी सिंह इसमें बुलाने की बात ही नहीं हुई है, जबकि उन्होंने पहले से ही, जब अगर पहले से गवर्नर ने इन्विटेशन नहीं दिया जाता हुआ नहीं दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सोचते। उन्होंने कहा इस पर हम बाद में देखेंगे, पहले तो फ्लोर टेस्ट कराइए, उसमें फेल हो गया। अरे फ्लोर टेस्ट तो स्वाभाविक है, जिसके पास जो मुख्यमंत्री बन गया वो सारी जो इंडिपेंडेंट वगैरह सब उनके साथ चल दिए। अगर हमारी को बोला उस दिन 11 तारीख की रात को विजय सरदेसाई के साथ और 3 इंडिपेंडेंट MLA और NCP के हमारे साथ थे। आपका आदमी कह रहा है कि आप तो गडकरी जी तो पर्यटन करने गए थे, पर्यटन, तो कैसे पर्यटन? मैं गोवा में एक दिन भी बीच में आज तक जीवन में बीच में नहीं गया हूँ, एक दिन भी। गोवा काहे के लिए जाना जाता है? बीच के लिए ना। दिग्विजय सिंह एक दिन भी बीच में नहीं गया। हिंदुस्तान के बीच में नहीं जाते होंगे, कोई बात नहीं, चलिए हम बीच में नहीं जाते, ऐसा हम इंटरव्यू में बीच में नहीं जाते। देखिए मैं एक मॉडर्न लिबरल दिमाग का हिंदू हूँ, मैं अच्छा हिंदू हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करना, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सबसे आखिर में आपने कुरान पढ़ा होगा? नहीं मैंने, तो गजनी जैसा वही याद रहा, पहले भूल गए। आप ऐसी बात करते शर्म आनी चाहिए जो आप दिग्विजय सिंह से ऐसी। चौथी बार कर रहे हैं आप मुझे शर्म की बात, और पांचवी बार भी कहूंगा। मैंने सबसे पहले गीता पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान पढ़ी, उसके बाद बाइबल पढ़ी, और उसके बाद अब मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है और मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ। सारे वेद पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे ना, आपके कहने से नहीं पढ़ेंगे, मन कहता है इसलिए पढ़ेंगे। नहीं तो अच्छा है ना, मोदी जी यही चाह रहे कि वेद पढ़ाए जाए, वेदों की शाला बने। हाँ, जैसे तो, मदरसे तो, बने तो, वैसे वेदों के स्कूल बने, स्कूल भी बने। आप लोगों ने तो माइनॉरिटी को स्कूल बनने की लाइसेंस दे दिया, हिंदुओं को स्कूल खोलने की परमिशन ही नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। कौन सी किसको मना किया? मैं चीफ मिनिस्टर 10 साल, किसको मना किया? मैं कहता हूँ स्कूल में सभी धर्मों को पढ़ाना चाहिए, हिंदू धर्म भी पढ़ाए, इस्लाम भी पढ़ाए, ईसाई भी पढ़ाए, सिख धर्म सब पढ़ाए। हिंदुस्तान में सभी बच्चों को मदरसों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, सभी धर्मों की जानकारी होना चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि मदरसा और शिशु मंदिर एक जैसे हैं। इसलिए कहता हूं कि एक मुसलमानों को भड़काता है, दूसरा हिंदुओं को भड़काता है। क्या बोलते हैं, शिशु मंदिर से कैसे कैसे हिंदू तैयार? अरे छोड़िए, साधु संत तैयार हो रहे हैं, हिंदू तैयार हो रहे हैं। एक साधु संत नहीं हुआ, फ्रॉड साधु संत आपने बनाए हुए हैं, फ्रॉड शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बनाए हुए हैं। इस देश में 5 पीठे हैं, उनमें से कोई आपका समर्थक नहीं है। जी बड़ा दावा करते हैं आप। मैं दावा करता हूँ, दावे के साथ दावा करता हूँ, फोकट नहीं करता। नहीं, आप 70 साल देश पे राज किए, इतना 7 साल 70 सालों में आप लोगों ने इतना एस्टेब्लिश बना के रखा है, मोदी दिन रात काम कर रहे हैं, और आप उसके बावजूद आपके अधिकारी इधर उधर ऐसे लगे हुए, लॉयल लोग लगे हुए, तो मुश्किल तो होगी। मोदी जी 24 घंटे में 26 घंटे काम करे तो करे, आप उनको गधा कहेंगे? आप उनको गधे जैसा काम कहेंगे? नहीं, मैं उन्होंने खुद नहीं कहा कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हाँ। तो ले रहे ना प्रेरणा वो। हाँ। तो भगवान दत्त ने कहा था चिड़िया से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, 24 गुरु किए थे उन्होंने। मैंने तो उनकी तारीफ की है कि आपने ठीक कहा है, आप गधे से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको, क्या गलत कहा? लेकिन इतना काम करने वाले की तारीफ करना छोड़ के हर, अच्छा कुछ तो मोदी में अच्छा है, कुछ कुछ है तो क्या है? जबरदस्त मार्केटिंग करता है भला आदमी, जबरदस्त मार्केट तो अच्छा है। काले को सफेद और सफेद को काला बता देता है, जबरदस्त मार्केटिंग करता है। इतनी अच्छी है, जबरदस्त अच्छा है, जो सफेद को काला प्रमाणित कर दे और काले को सफेद प्रमाणित कर दे, इससे बड़ा मार्केटिंग गुरु कोई हो सकता है? हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए उनको। आपने तो 65 साल यही किया। क्या किया? मैं 70 साल का हूँ, क्या किया? आपकी पार्टी ने, कह रहा हूँ मैं, हमारी पार्टी ने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, जहाँ कोई किसी को पूछता नहीं था, आज विश्व में हिंदुस्तान की आवाज़ मिल जाती है, ये कांग्रेस ने जो बुनियाद डाली उसकी वजह से। लेकिन मोदी जी की जितनी सभाएं, जितने बड़े इवेंट्स हुए, उतने बड़े इवेंट तो मनमोहन सिंह के देश में आते थे जाते थे, पता भी नहीं चलता। हम लोग ये भाषणबाजी में हम बात नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते हैं। जिस जिस देश में ये गए हैं वहाँ के हालात बिगड़े हैं, संबंध हमारे
नेपाल से आपकी दोस्ती थी हमारे समय में, आज बताइए क्या हो रहा है? अमेरिका से संबंध अच्छे हो गए। कहाँ अच्छे हो, किसने कह दिया? ट्रम्प अच्छा हो गया, ट्रम्प जीत के आ गया, ट्रम्प जीत के आ गए, अच्छे हो गए। ट्रम्प ने, तीन लोग मर गए हिंदुस्तानी, और नरेंद्र मोदी जी हर छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, उन तीनों की हत्या पर एक ट्वीट नहीं किया इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, बताइए, शर्म आनी चाहिए। उस देश के लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, क्या प्रश्न गलत हुआ है? हमारे, हमारे, हम उसकी निंदा करते हैं, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी आपको हिंदू अच्छा मानते हैं, अच्छा तीन हिंदू मारे गए, आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला उनके पक्ष में? चलिए, आपने कम से कम उनको हिंदू तो कहा, कहा केवल भारतीय है, हिंदू है। अच्छा, ये हिंदू से याद आया, ये सैफुल्ला जो मारा गया, ये अगर शपथ विधि के बाद मारा जाता तो आप लोग, देखिए एक बात सुन लीजिए, चाहे सैफुल्ला हो, चाहे कर्ल पुरोहित हो, चाहे सुनील जोशी हो, जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जो आतंकवादी है, वो उसका कितना जात होती है ना धर्म होती है। चलिए, आपको साध्वी प्रज्ञा नाम छोड़ना पड़ा। नहीं, मैं उसके लिए भी कहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा बॉम्बे, आपने उनको फंसा दिया, मालेगांव ब्लास्ट में वो शामिल थी, आपने सुनील जोशी मर्डर में वो शामिल है, उनको तो निर्दोष बरी किया ना। हाँ, बरी तो किया, जब प्रोसिक्यूशन ही डिफेंस करने लगेगा तो क्या होगा? लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसी, इतनी युवा, इतनी क्षमतावान, इतनी प्रतिभाशाली, आप उसको जानते नहीं, ऐसे साध्वी को, वो मेरे हमारे लाहौर के ग्राम सेवक की बेटी है, मध्य प्रदेश की। आप मुख्यमंत्री थे, वो स्टूडेंट लीडर थी, ये थी ना, तो आपको खुन्नस थी उसके? नहीं, कतई नहीं थी, तो कतई नहीं थी। उसके पिता 8.5 साल उसके खिलाफ कोई उसके, मैंने नहीं, चीट नहीं हो पाया, मैंने नहीं किया। क्या मध्य प्रदेश हिंदू आतंकवाद तो आपका नहीं, हिंदू मैंने नहीं कहा, हिंदू आतंकवाद संघीय आतंकवाद का है, कभी मैंने हिंदुओं को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा। चिदम्बरम ने कहा ना, चिदम्बरम ने, उसे पूछिए, तो आपके नहीं है चिदम्बरम, उससे पूछिए। मैंने संघीय, मैंने तो उससे कहा है, अभी उससे कहा है कि संघीय आतंकवादी कहिए, मैं कहता हूं हमेशा। अडवाणी जी कहते थे, हाँ भाई मैं जानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं मुसलमान क्यों होते हैं? मैं कहता हूं, कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वो संघ के क्यों हैं? ये साबित करने के लिए आपने फैब्रिकेट करके, फैब्रिकेट जिन लोगों मैंने को, नहीं बनाया, जिन लोगों को मैंने, छोड़ा गया था, मैंने, उनको वापस अंदर लाया, जो अंदर लाया थे उनको वापस भेज दिया। ये मैं, दिग्विजय सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को, नहीं केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं, किसकी थी महाराष्ट्र सरकार? आपकी की थी ना, एटीएस हेमंत करकरे। हाँ, तो आपकी हेमंत करकरे, वो हेमंत करकरे क्या हिंदू थे क्या नहीं थे, कि मुसलमान थे? नहीं, हेमंत करकरे हिंदू थे, अच्छे हिंदू थे, अच्छे थे कि नहीं, हम जाने वाले व्यक्ति पे क्या बात करनी चाहिए? साध्वी प्रज्ञा को जिस आदमी ने 10-10 फीट उठा के नीचे गिराया, मारा, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, देखिए अच्छा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मैं इसके खिलाफ हूँ, इस तरह का किसी साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंटरोगेशन नियमों के तहत होता है। हाँ, तो लेकिन गलत हुआ, मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ। आज रीढ़ की हड्डी टूट के कैंसर होके मुझे साध्वी जेल में सड़ रही है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। चलिए, हम ये बात करें, देर और लगेगी, बस खत्म करते हैं, क्योंकि देश आपसे बहुत सवाल पूछना चाहता है। पूछिए, और इसलिए पूछिए, एक बार और करेंगे? हाँ नहीं, वो तो बार बार करेंगे, और दिग्विजय सिंह जब भी आएंगे तब टीआरपी भी आएगी। अच्छा है, आने दो, दिग्विजय सिंह टीआरपी है टीवी पे। धन्यवाद। और इसलिए उस टीआरपी को बनाए रखने के लिए वो दिन में ऐसे ऐसे ट्वीट कर देगी, थोड़ी देर बाद उस पर चेंज होना पड़ता है। मैंने आज तक ट्वीट चेंज नहीं किए, जितने आरोप किए मैंने, एक बार गडकरी पे आरोप किया आपने वापस ले लिया, नहीं लिया, ये गलत आप क्यों कहते हैं ना। जीवन में मैंने आज तक ट्वीट वापस नहीं लिया, एक बयान मैंने वापस नहीं लिया। गडकरी जी ने मानहानि का दावा मुझ पर किया, अदालत में कहा कि दिग्विजय सिंह जी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, इन्होंने जो आरोप लगाया है वो अपना आरोप वापस ले लें, मैं खत्म कर लूँगा। आपने ले लिया? नहीं, मैंने कहा मैं जीवन में कुछ आरोप लगा के मैंने जीवन में वापस नहीं लिया, मैं नहीं लूँगा वापस, मैं प्रमाणित करूँगा। चलिए, आपने मुंबई हमलों के लिए आरएसएस और इसराइल की एजेंसी को जिम्मेवार ठहराने वाले पुस्तक का विमोचन किया। देखिए, मैंने वही कह दिया था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आप देख लीजिए। चलिए, आप बदल रहे हैं। अरे मतलब जिस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, मैंने देखिए, मैंने कहा अजीज बर्नी ने किताब लिखी थी, उसमें क्वेश्चन मार्क था, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये मुंबई का 27/11 का हमला पाकिस्तान ने किया था, उसमें किसी भी आरएसएस या किसी अन्य संगठन का उसमें नाम, किसका हाथ था ही नहीं, शुद्ध रूप से पाकिस्तानियों का था।
पाकिस्तान का शुद्ध रूप से। बिल्कुल, मतलब आरएसएस ऐसा कर भी नहीं सकता। नहीं, सवाल ही देखिए, आरएसएस बहुत कुछ कर सकती है, जो बम ब्लास्ट हुए सब आरएसएस के लोगों ने किए हैं। आपने तो कहा सवाल ही नहीं, ऐसा कर ही नहीं, नहीं, नहीं वो उसमें शामिल है वो लोग। और खुद ये लोग कहते हैं, भाजपा के नेता खुद कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ, सुनील जोशी की हत्या किसने की? कोई ना कांग्रेसी ने की, ना मुसलमान ने की, आपके संघ के लोगों ने की। आपके इंदिरा गांधी जी ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जब उनको पूछा जाता आपके देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन सा है, तो संघ का नाम लेती है। आपके ही प्रधानमंत्री नेहरू ने राजपथ पर उनको संचलन में सम्मिलित करवाया था। बता दूं आपको मैं, हाँ, संघ को और संघ की विचारधारा ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे के लिए गोपाल गोडसे ने खुद कहा था कि हम लोग संघ के कार्यकर्ता थे। आपको पता है वहाँ एक एक्स्ट्रा गोली चली थी, उसका रहस्य अभी तक पता नहीं चला। आप लोग संघ के लोग और आप जैसे लोग जो है इतना झूठ बोलते हो, बाप रे बाप। एक गोली चली थी। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आपके मित्र हैं। मेरे मित्र नहीं है वो, आपके संघ का आदमी है। झूठ बोलना सीखे तो आप लोगों से सीखे। अच्छा मुझे बताइए, मतलब संघ के विषय में आपकी आपत्तियाँ क्या है? मेरी आपत्ति है ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। संघ के लोग अपना जीवन देते हैं, प्रचारक बनते हैं, तो समाज के लिए काम करते हैं, तो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अच्छा ही नहीं है? दुर्माग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सेवा, मैं 3.5 लाख सेवा कार्य चलते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं गोविंदाचार्य जी का मित्र हूँ। संघ में किसी की इज्जत करता हूँ तो गोविंदाचार्य की करता हूँ, जिसको आप लोगों ने हाशिए पे छोड़ा हुआ है। आप तो मोदी जी को भी मित्र कहते हैं। देखिए मित्र मेरे नहीं है, मेरा उनसे केवल वन टू वन मेरा एक ही बार मुलाकात हुई है, जब मैं बेटे की शादी का निमंत्रण उनके पास आए। धन्यवाद। हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दिग्विजय सिंह जी के, धन्यवाद, वो खुन्नस वाला आदमी नहीं है। धन्यवाद। लेकिन मेरा उनसे राजनीतिक विचारधारा उनके साथ हमारी नहीं है, नहीं होगी कभी भी। हालांकि मोदी जी का फायदा इसी में है कि आप विरोध करें। मैं करूंगा फायदे के लिए, नुकसान के लिए। लेकिन फायदा हो रहा है। चलिए हम आरएसएस से थोड़ा पूछ लेते, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या आरएसएस में कुछ भी अच्छाई आपको नहीं? आरएसएस में अच्छा कई अच्छाइयां हैं, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे कराना, इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करना, मैं इसका विरोधी हूँ। आप उनकी बुराइयों पे बहुत बोल चुके हैं, थोड़ा अच्छाई पे बोलिए। हाँ, क्या क्या अच्छाई है? सबसे बड़ी अच्छाई उनमें यह है कि उन्होंने संगठन के द्वारा कार्यकर्ता तैयार किए, संगठन के द्वारा छोटे से बच्चे के दिमाग में वो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने की बीज पैदा करने में सफल हुए। आप अच्छाई में बता रहे हैं? मैं अच्छाई बता रहा हूँ जो सफल हुए हैं इस देश में। जो कार्यकर्ता उन्होंने संगठन जो बनाए हैं, अस्पताल में जहाँ भी काम करते हैं, उसमें प्रशंसा करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दोष उनमें यह है कि इस देश में बांटने का जो काम कर रहे हैं ख़त्म करो, जोड़ने का काम करो। चलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी जोड़ने वाली बात बोलना शुरू करें तो देश और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं तो हमेशा जोड़ने वाली बात करता हूं। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कांग्रेस का कुछ ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन जो टाइम बचा है उतने टाइम में भी अगर आप मोदी और सब लोग मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी इस देश में धार्मिक वैमनस्यता समाप्त करने के लिए अगर कोई प्रयास करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। करें ना, मुस्लिम महिलाओं ने मतदान किया उनको, किसने कह दिया? अच्छा आप ट्रिपल तलाक पे आपका क्या कहना है? मैं ट्रिपल तलाक के लिए मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा, ये उनका धार्मिक मुद्दा है। लेकिन ट्रिपल तलाक जैसा मसला में आज के मॉडर्न जमाने में उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। हम अच्छी बात के साथ इंटरव्यू को खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपसे बार बार मिलना हो। जरूर मिलते और इसी तरह से होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर काटा तो फिर मैं बिल्कुल नहीं काटेंगे, अनकट इंटरव्यू दिखाएंगे आपका। आभार।